दोस्तों, एक प्रेमी ने एक तरफा प्यार में अपनी प्रेमिका और उसके दोस्त को गोली मारकर कर दी हत्या और उसी पिस्तौल से खुद अपने आप को गोली मारकर हत्या कर ली। नमस्कार, आदाब, प्रणाम, मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल आरएल ग्लोरी में। आप देख रहे हैं सच्ची घटना की एक नई एपिसोड के साथ एक नई कहानी। चलिए पूरी कहानी आपको बतलाते हैं विस्तार से। दोस्तों, यह कहानी हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में घटित हुई है। इस कहानी में एक छात्र अपने ही स्कूल के लड़का और लड़की को गोली मारकर हत्या कर दिया था। उन दोनों को गोली मारने के बाद छात्र ने खुद को भी गोली मार ली। गोली लगने के तुरंत बाद लड़के की मृत्यु हो गई। आत्महत्या करने वाले लड़के का नाम अभिषेक यादव था। आखिर अभिषेक यादव ने इन दोनों को क्यों गोली मारी, यह जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, अभिषेक यादव स्नेहा जाट और स्नेहा जाट का दोस्त दीपक जाट एक ही साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे और यह तीनों एक ही क्लास में थे। एक ही साथ पढ़ाई करते करते अभिषेक यादव को स्नेहा जाट से प्यार हो गया था और अभिषेक यादव को लगा था कि स्नेहा जाट भी उससे प्यार करती है। ऐसे ही अभिषेक यादव रोज स्कूल आता है और स्नेहा जाट को घंटों तक देखता रहता है इस उम्मीद में कि एक दिन स्नेहा जाट उसे प्रपोज करेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। स्नेहा जाट अभिषेक यादव से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। एक दिन अभिषेक यादव स्नेहा जाट को प्रपोज कर देता है, लेकिन स्नेहा जाट उसको मना कर देती है और कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। अभिषेक यादव स्नेहा जाट के प्यार में काफी हद तक पड़ चुका होता है और वह स्नेहा जाट को इतना पसंद करने लगा था कि स्नेहा जाट को बार बार प्रपोज करने लगा था। अभिषेक यादव से परेशान होकर स्नेहा जाट ने अपने परिवार वालों को सभी बातें बता देती है। उसके बाद स्नेहा जाट के घर वाले अभिषेक के खिलाफ पुलिस कम्प्लेन कर देते हैं। अभिषेक यादव को पुलिस स्टेशन बुलाती है और इसके बाद पुलिस वाले अभिषेक को कहते हैं कि तुम स्नेहा जाट को परेशान नहीं करोगी। उसके बाद स्नेहा जाट के घर वाले अभिषेक यादव के खिलाफ पुलिस कम्प्लेन कर देते हैं। पुलिस वाले अभिषेक यादव को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम स्नेहा जाट को क्यों परेशान करते हो, आज के बाद तुम स्नेहा जाट को परेशान नहीं करोगी। पुलिस वाले अभिषेक यादव को वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। अब अभिषेक यादव स्नेहा जाट से कुछ नहीं बोलता है, स्कूल जाता और आता है। लेकिन अभिषेक यादव स्नेहा जाट से एक तरफा प्यार कर रहा था और उसको दूसरे लड़कों को साथ देखकर उसे बहुत जलन होती थी। स्नेहा जाट ज्यादातर अपने दूर के रिश्तेदार दीपक जाट के साथ रहती थी। दीपक जाट इसी स्कूल में पढ़ता था और स्नेहा जाट का अच्छा दोस्त भी था। इसी वजह से स्नेहा जाट दीपक जाट के साथ रहती थी। दीपक जाट और स्नेहा जाट को एक साथ देखकर अभिषेक यादव को बहुत गुस्सा आता था और कैंपस के पास बैठकर स्नेहा जाट और दीपक जाट का इंतजार करने लगा, क्योंकि दीपक जाट और स्नेहा जाट दोनों उसी कैंपस के पास बैठकर बातें करते थे। जैसे ही दीपक जाट और स्नेहा जाट कैंपस के पास आते हैं, वैसे ही अभिषेक यादव पिस्टल निकाल कर दोनों को गोली मार देता है। दोनों को गोली मारने के बाद अभिषेक यादव डर जाता है और भागने लगता है। भागते भागते वह एक स्कूल के सिक्योरिटी के पास जाता है और उससे पीने के लिए पानी मांगने लगता है और पानी पीने के बाद स्कूल के कैंपस में जाता है और खुद को भी उसी पिस्टल से गोली मार लेता है। जैसे ही खुद को गोली मारता है, तुरंत कुछ देर बाद उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को ठेस पहुँचाना, किसी को तकलीफ पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको बतलाना चाहते हैं कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।